नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डेविड। स्वागत करता हूं आपका बरवाड़ी के यूट्यूब चैनल में। गाइस, यहां पे जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी में, यानी कि बीए बीएससी में या बीकॉम में, तो यहाँ दोस्तों आप लोगों के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा अपडेट लेकर के आया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, अपना जो एडमिशन का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। यहाँ दोस्तों पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो सेशन है उसका 22 से 25 का, जिसमें दोस्तों 3 साल का जो ग्रेजुएशन होता है, इसमें दोस्तों यहाँ पे क्या आया था कि अपना एडमिशन ले रहा था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेरिट लिस्ट भी जारी किया, स्पॉट से भी एडमिशन लिया। लेकिन दोस्तों ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी छूटे हुए हैं या उनका एडमिशन नहीं हुआ, बहुत कुछ मतलब बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिनका जिसके कारण उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट लेकर के आया है, जो कि यहाँ पे स्पॉट राउंड 2 करके लेके आया है। 1 स्पॉट राउंड में दोस्तों यहाँ पे सभी का एडमिशन हो गया जितना सीट था, लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सीट खाली है। और यहाँ पे दोस्तों पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सेकेंड राउंड का जो स्पॉट है वो लेकर आया है। अब इसमें दोस्तों आप लोगों को कैसे एडमिशन होगा, क्या एडमिशन होगा, कब से कब डेट है, आज के वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार का अपडेट आप लोग को आगे भी मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक लंबा चौड़ा लिस्ट अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है स्पॉट राउंड 2 के लिए। अब इसमें दोस्तों एडमिशन कैसे लेना है इसके बारे में पहले समझ लीजिए। तो इसमें दोस्तों एडमिशन लेने के लिए चाहे तो आप लोग पहले से जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन था, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा था कि कौन कौन सा आपको कॉलेज चुनना है, वो अगर कर लिए हैं तब तो ठीक है, बस सिर्फ आप लोग स्पॉट राउंड का जो प्रिंट होता है वो निकाल के सीधे कॉलेज में लेके चले जाना है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे कुछ भी नहीं किए हैं तो दोस्तों क्या करना है कि 14 तारीख को दोस्तों आप लोगों को लिंक जारी किया जाएगा 14 अक्टूबर से। यहाँ पे जो मतलब कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी स्पॉट राउंड 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन लेगा। अब ऐसे में दोस्तों सभी को ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, जो भी दोस्तों पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे पहले से रजिस्टर नहीं है उनको दोस्तों यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों आप लोग को स्पॉट राउंड के लिए एक प्रिंट निकलेगा, वो प्रिंट को निकाल लेना है। अब दोस्तों ऐसे में समझ लीजिए जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए उनको क्या करना है कि 14 तारीख को सिर्फ अपना लॉगिन कर लेना है वेबसाइट पे, और लॉगिन करने के बाद दोस्तों एक प्रिंट निकलेगा, वो प्रिंट को आप लोग को निकाल लेना है। 14 तारीख को दोस्तों हम आप लोग को बता देंगे कैसे वो प्रिंट निकलने वाला है, सब चीज दोस्तों आप लोग को डिटेल स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। अभी दोस्तों फिलहाल समझना है सिर्फ कि 14 से 15 तारीख तक के आपके बीच में यहाँ पे जो 14 और 15 दो दिन है, ये इसमें दोस्तों आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जो अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे तो कर सकते हैं, वो निकाल के दोस्तों आप लोग को 14 से 15 तारीख के बीच आप लोग को यहाँ पे कॉलेज में जाके जो जो कॉलेज में लगे कि आपको यहाँ पे सीट खाली है उस कॉलेज में जाके आप लोग को वो दे देना है भर के, कौन सा ऑनर्स पेपर चाहिए सब चीज। और वहां पे देने के बाद दोस्तों आप लोग को 17 तारीख तक एडमिशन ले लेना है। 17 तारीख को जो भी दोस्तों यहाँ पे सीट खाली रहेगा उसमें दोस्तों कॉलेज अपना लिस्ट जारी किया करेगा कि इस कॉलेज में मतलब कि ये स्टूडेंट का हुआ, और उस प्रकार से दोस्तों आप लोग 17 तारीख से एडमिशन ले सकते हैं या 17 तारीख तक भी एडमिशन होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो लोग भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं चालू हुआ है, रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप लोग को 14 तारीख से ही चालू होगा और 15 तारीख तक चलेगा। तो ये सब डेट को दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है, बस 14 तारीख से आपको एडमिशन चालू है, आप लोग को स्पॉट राउंड में 2 में एडमिशन लेना है। अगर आप लोग एडमिशन नहीं लिए हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त मौका निकाला है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की। जो भी स्टूडेंट अगर छूटे हुए हैं वो लोग भी अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। तो चलो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर दोस्तों इसके रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आप लोग को रिप्लाई 100% देंगे। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में वहां पे आप हमको सजेशन दे सकते हैं इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। चलो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।